नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सपना मद्देश्या। आइए रुक करते हैं मेरठ की कुछ खास खबरों की ओर। मेरठ के कैंट क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप को हटाने की कवायद अब शुरू हो गई है। इसी कड़ी में रक्षा संपदा अधिकारी ने एक पेट्रोल पंप को नोटिस भेजा है। भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप की लिस्ट खत्म, इस प्रकार से अन्य पेट्रोल पंपों को भी हटाया गया। तीसरी लहर के बाद पहली बार बुधवार को मेरठ में कोरोना का मरीज नहीं मिला। बुधवार को 5,250 लोगों का टेस्ट हुआ, जिनमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना को लेकर राहत की सांस ले रहा है। मेरठ में 10 मार्च को विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है, इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजपत्रित अफसर के नेतृत्व में काम करेगी मतगणना टेबल। ईवीएम और पोस्टल बैलेट के लिए बनेंगे 120 टेबल, मतगणना कराएंगे 600 कर्मी। मेरठ के लिसाड़ीगेट इलाके में एक महिला का शव घर में बेडरूम में पड़ा मिला। बुधवार शाम के समय बच्चे ट्यूशन से घर पहुंचे तो देखा शव बेड पर पड़ा था। महिला का शव मिलने का पता चलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी। बुलंदशहर के देहात क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। जाम लगाने की भी कोशिश की गई। मौके पर पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझाया। क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थल को ठीक कराया जा रहा है। मेरठ के खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे टुडे 24 न्यूज़।